dear students, i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. this is module number 36, and we're going to talk about making better decisions. when we talk about making better decisions, remember that mindfulness is a very important phenomenon, and through mindfulness, we'll be better able to decide in given circumstances, in challenging situations. so therefore,

हमने किन किन पैरामीटर्स को यूज करना है सो दीज आर ऑल डिसाइडेड इन जनरेट डिफरेंट हमारे पास फैसले एक मसले को हल करने के लिए मौजूद हो सकते हैं जो सबके सब कुछ ना कुछ रिजल्ट जेनरेट हमारे लिए वो करेंगे सो so एक मसले के लिए जब हम एक फैसला कर रहे हैं तो आल्टरनेटिव की एक फहरिस्त वह हमारे पास मौजूद हो सकती है और उन अल्टरनेटिवस में से हमें जो ऑप्टिमम चॉइस है जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस है उसको पिक करना है बिकॉज उसी से हम अपने बेहतरीन नाइज हासिल कर पाएंगे सो so, आल्टरनेटिव को हम एवेल्यूएट करेंगे और उसमें से ऑप्टिमम रिजल्ट हमने चूज किया अब ऑप्टिमम रिजल्ट जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और उस इंप्लीमेंटेशन से विल बी गेटिंग सर्टन परफॉर्मेंस लेवल सो विल बी गेटिंग द रिजल्ट कैन बी आइदर इन फाइनेंशियल नेचर और दे कैन बी इन स्ट्रेटेजिक कंसर्न और दे कैन बी इन ऑपरेशनल कंसर्न सो अब जिस भी तरह के रिजल्ट हमें अचीव हुए बेस्ड अपॉन के हमारा प्रॉब्लम क्या था ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर करेंगे अपनी सिचुएशन अपने प्रॉब्लम के साथ और यह देखेंगे कि आया हमारे रिजल्ट से हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ अगर तो हमारा मसला वो हल हो जाता है तो हम इस पूरे सिस्टम को री एनर्जाइज करेंगे लेकिन अगर फर्ज करें कि हम डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते हैं तो देन वी हैव टू कम अप विद है हमें कोई तब्दीली लेकर आनी पड़ेगी हमें मे बी अपने अल्टरनेटिव्स को दोबारा एवेल्युएट करना पड़े मे बी हमें डिसीजन क्राइटेरिया चेंज करना पड़े मे बी हम अपने इंप्लीमेंटेशन के मामला को देखें कि कहां पर हमने क्या एरर किया जिसकी वजह से हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव वो नहीं हुए अब ये सारा फिनोमिना जो एक टिपिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इट रिक्वायर्स अवर माइंडफुल अटेंशन अब उस माइंडफुल अटेंशन के दौरान नो डाउट देर अनदर थिंग वर्किंग विच इज अवर इंट्यूशन इंट्यूशन जो कि हमारा सेंस है हमारी गट फीलिंग है उसका अमल दखल बहुत हद तक कारामत भी है और जरूरी भी है बिकॉज हमारी इंट्यूशन अक्सर अवकात हमें उन पॉइंट्स की तरफ निशानदही कर पाती है जो पॉइंट्स जनरली हमारे एनालिसिस का पार्ट वो नहीं होते सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग अप विद द डिसीजन मेकिंग दे ऑल एग्री कि सिस्टमेटिक एनालिसिस के साथ साथ इंट्यूशन का होना वो बहुत ज़रूरी है और इंट्यूशन की इम्पोर्टेंस को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए पर्टिकुलरली जब इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो तो इंट्यूशन के ऊपर हमें ज़्यादा रिलाई वो करना पड़ता है एट द सेम टाइम वी हैव टू यूज़ आवर रैशनैलिटी हमारी लॉजिक्स हमारी रीजनस हमारे मामला हमारे एनालिसिस वो सब क्या हैं और वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं So, in the light of our rationality and in the light of our intuition, we come up with a mindful decision. Now, when we are coming up with mindful decisions, remember that mindfulness would carry certain characteristics, and those characteristics would include number one, our working memory capacity.

और वो रिस्क बेसिकली हमें इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि हमारे लिए सही फैसला सही वक्त पर कौन सा होगा और वो रिस्क हमें इस बात की निशानदेही भी कर रहा होगा कि हमें किन चीजों के बारे में प्रिकॉशनरी मेयर्स वो लेने चाहिए किन एस्पेक्ट्स में वी नीड टू हैव फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स हमारे प्री रेक्विजिट्स क्या होंगे सो so, इन तमाम चीजों की निशानदेही हमें अपने रिस्क एनालिसिस से हासिल होती है

The fourth most important phenomena when we talk about mindfulness and decision making is basically emotional regulation process. And in this emotional regulation, we have to use our emotional intelligence. We have to say when we react, and hai we have reactions, we have control. If we conclude this, then conclude have to that in the decision making process, no doubt we need to have rationality. बट वी ऑल्सो नीड टू फोकस अप ऑन अवर इन ट्यूशन एंड वी हैव टू रिमेन माइंडफुल ताकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमें गाइड कर सके कि हम कब क्या फैसला करें जिससे कि हमें बेहतरीन नतज का हसूल मुमकिन हो थैंक यू